गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो वी विल रीड अबाउट द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एज द लेड टू द डिस्कवरी ऑफ न्यू लैंड ट्रेड ग्रू इन द न्यू लैंड्स प्रोवाइडेड न्यू रॉ मटीरियल एंड रेडी मार्केट्स टू बाय द प्रोडक्ट्स टिल दिस टाइम द डोमेस्टिक सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन वॉज प्रिवेलेंट वॉइज इज मतलब ट्रेवलर मतलब जब अनादर कंट्रीज से लोगों ने यहां इधर की तरफ इंडिया की तरफ मतलब यात्राएं करनी ट्रेवल करना स्टार्ट किया और एशियन न्यू लैंड जब उन्होंने उसको डिस्कवर किया अदर कंट्रीज के ट्रेवलर्स ने तो उन्हें एक ट्रेड के लिए न्यू लैंड मिली मतलब इंडिया के अंदर जब उन्होंने एंट्री की तो कहीं ना कहीं उन्हें व्यापार के लिए नया एक प्लेस मिला जो उन्हें न्यू रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता था मतलब यहां से वो रॉ मेटेरियल कच्चा माल यहाँ से लेकर जाते और अपने वहां उसे मशीनों के थ्रू रेडी कराकर यहाँ मार्क, इंडियन मार्केट में सेल कर देते थे टिल दिस टाइम द डोमेस्टिक सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन वॉज प्रिवेलेंट इस टाइम पीरियड तक जो इंडिया में था वो डोमेस्टिक सिस्टम प्रोडक्शन का प्रीवेलेंट था मतलब यहाँ पर पर्सन अपने विदाउट किसी मशीन्स के अपने हाथ से ही वर्क करते थे क्राफ्ट्समैन कलेक्टेड रॉ मटेरियल्स फ्रॉम मर्चेंट्स यहां पर जो क्राफ्ट्समैन थे मतलब जो भी अपने सिंपल टूल और अपने हाथों से ही वर्क करने वाले पीपल थे वो किसी मर्चेंट व्यापारी से रॉ मटेरियल खरीदते और उसे तैयार करके उसे वापस दे देते थे एंड वर्क एट होम विद सिंपल टूल एंड विद द हेल्प ऑफ दियर ऑन फैमिली मेम्बर्स यहाँ पर जो था इस डोमेस्टिक सिस्टम के अंदर जो पीपल थे वो अपने घरों में ही रहकर अपने फैमिली मेंबर्स की हेल्प से सिंपल टूल्स के साथ इस किसी भी वर्क को करते थे इंक्रीज डिमांड फॉर गुड्स रिक्वायर्ड मास प्रोडक्शन एंड द फैक्ट्री सिस्टम इवोल्व अब जैसे जैसे इन गुड्स की थिंग्स uh, की आर्टिकल्स की डिमांड बढ़ी तो इसकी वजह से प्रोडक्शन की भी डिमांड बढ़ी एंड द फैक्ट्री सिस्टम इवॉल्व जिसकी वजह से फैक्ट्रीज का सेटअप होना स्टार्ट हो गया ताकि एक लार्ज स्केल पर मास प्रोडक्शन मतलब एक लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन किया जा सके बढ़ती हुई डिमांड को देखते हुए न्यू मशीन वर इंस्टॉल्ड इन फैक्ट्रीज एंड प्रोडक्शन वॉज इंक्रीज अब इस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए फैक्ट्रीज में नई तरह की न्यू टेक्निक्स के साथ नई तरह की मशीनों को सेटअप किया गया ताकि इस प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सके द एक्सटेंसिव एंड वाइड स्प्रेड यूज ऑफ मशीन्स एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट्रीज इन मल्टीपल्स लीड टू इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन अब लार्ज स्केल पर फैक्ट्रीज का सेटअप होने की वजह से इंडस्ट्रीज की जो संख्या थी वो बढ़ गई इसे ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कॉल किया गया मतलब इंडस्ट्रीज का लार्ज स्केल पर सेटअप हो जाना इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मींस सेटअप ऑफ ऑन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज इट फर्स्ट बिगेन इन ब्रिटेन ये सबसे पहले जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन था ये कहाँ आया ब्रिटेन में एंड देन स्लोली स्प्रेड टू इटली और बाद में धीरे धीरे ये इटली पोर्टुगल फ्रांस जर्मनी रशिया एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वर्ल्ड के अनदर पार्ट्स में भी धीरे धीरे ये पहुंच गया